बात शुरू करने से पहले हमारे आने वाले नए दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। जी तो अभी मैं ये देख रहा हूँ कि ये एक पीस एवेन्यू लिखा हुआ है, ये अभी आपको इसकी फुटेजेस भी दिखाएंगे। ये मैं देख रहा हूँ गवादर गारमेंट फैक्ट्री है और यहाँ बड़ा एक जबरदस्त सा बोर्ड लगा हुआ है, गवादर वुमेन्स डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट सेंटर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई काम हो रहा होगा। जो फ्री जोन का फेज वन है ये इसमें मौजूद है। मैडम आप प्लीज अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम जैतून अब्दुल्ला है। अच्छा ये जैतून अब्दुल्ला, मुझे लग रहा है आप लोकल हैं। जी बिल्कुल मैं यहाँ की लोकल हूँ। अच्छा तो हमें आमतौर पे ये तासर मिलता था कि यहाँ पे जो ये डेवलपमेंट हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है और यहाँ पे जो तरक्की है उसके सम्राट जो हैं वो जो लोकल लोग हैं उन तक नहीं पहुँच रहे। तो आप ये बताइएगा कि ये तो वुमेन डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आप चला रही हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा है ये बताइएगा मुझे। ये हमने यहाँ पे वुमेन्स गारमेंट्स फैक्ट्री इस्टेब्लिश की है और यहाँ पे अब देख रहे हैं जितनी भी वर्कर्स हैं वो लोकल हैं यहाँ की और इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप इनकी क्वांटिटीज़ भी जो रेशो है वो भी बढ़ाएंगे। अभी हमने इनिशियल फेज में कम से स्टार्ट की है और हम कोशिश करें कि यहाँ की जितनी भी लोकल वुमेन हैं उनको एम्पावर करें, उनको आगे से आगे इनक्रेज करें और लेकर जाएँ और उनको जॉब्स दे दें। अच्छा हमने यहाँ पे देखा है कि जो लोकल वुमेन है वो बड़ी वाइब्रेंट है। हमने यहाँ पे अनीता जलील का इंटरव्यू किया, हमने यहाँ पे और भी लोगों से जब बातचीत की तो हमने ये देखा कि वो बड़ी पैशनेट है इस तरक्की को लेके। तो ये बताइएगा कि यहाँ पे कितने लोग अभी एम्प्लॉयमेंट दी हुई है आप लोगों ने और यहाँ बनता क्या है? यहाँ पे अभी हमारे पास क्योंकि हमने इसी साल इसको स्टार्ट किया है तो अभी हम लोकल ही यहाँ पे हमारे जितने भी चाइनीज़ स्टाफ हैं उनके ही यूनिफॉर्म बना रहे हैं और इस वक्त हमारे पास जो है इनकी सिक्योरिटी स्टाफ जो है उनकी 200 यूनिफॉर्म है, लास्ट वीक चल रहा है, पिछले दो महीने से हम इस पर काम कर रहे हैं। तो हम यूनिफॉर्म पे इंशाल्लाह हमारा जो अभी जनवरी स्टार्ट हुआ है, जनवरी की 20 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाहर पहले इंडोर हम करते रहे, ऑर्डर लेते रहे, अब आउटडोर भी स्कूल्स यूनिफॉर्म पे हम काम। अच्छा ये बड़ी खुशाइंद बात है कि यहाँ पे चाइनीज़ जो है अपनी यूनिफॉर्म भी वो चाइना से नहीं लेके आ रहे। चाइना को कहा जाता है कि दुनिया की फैक्ट्री है और वहाँ पर पूरी दुनिया का गारमेंट बनता है, पूरी दुनिया के यूनिफॉर्म बनते हैं, चीज़ें बनती हैं, ड्रेसेस बनते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या खुद से प्रेफर किया है कि यहाँ पे उनका जो स्टाफ पहनेगा वो आपका यहाँ पे बना हुआ गारमेंट पहनेगा? एग्जैक्टली क्योंकि चाइनीज़ के साथ साथ हमारे अदर पाकिस्तानी स्टाफ भी हैं ना यहाँ पे, सिक्योरिटी स्टाफ से सबके हम मना रहे हैं। अच्छा मैं एक और बात ऐड कर लूँ यहाँ पे, हमारे चाइनीज़ स्टाफ जितनी भी यहाँ पर है वो कमीज शलवार पहनने के बहुत शौकीन हैं और हमने अभी तक अराउंड 200 कमीज शलवार उनको सूट्स बना के दिए हैं और हमारे पास अभी हैं, आपको सैंपल्स भी दिखाएंगे कि इन्होंने ऑर्डर्स दिए हुए रखे हुए, इनके शर्ट्स बनवाने हो या जीन्स या ट्राउज़र पे थोड़ा बहुत काम करवाना वो भी हम कर लेते हैं। अच्छा वो कमीज शलवार जो है वो आप जो शलवार है वो ब्लोची वाली बना के देते हैं या वो पंजाबी वाली शलवार बना के? बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो नाड़ा यूज़ नहीं कर सकते तो हम उनको 5-6 तो बलोची वाले ही बना कर देते हैं जो पाकिस्तानी स्टाइल है, लेकिन ऊपर ट्राउज़र्स टाइप का हम लास्टिक डाल के देते हैं उनको। अच्छा मैडम जैतून ये मुझे बताइएगा कि ये जो वर्कर्स काम कर रही हैं ये मैंने देखा है कि ये बड़ा अपना दिल लगा के यहाँ पे काम कर रही हैं, कितनी खुश हैं यहाँ पे, कितनी इनकी जो है वो बन जाती है एक महीने की जो सैलरी वगैरह है? असल में इनका ये है कि अभी हमने स्टार्टिंग में इनको हमने सैलरी बेस्ट कर लिया है, पहले वैसे तो फैक्ट्रियों में ये होता है कि डेली वेजेस पे होते हैं लेकिन अभी हमने इनको सैलरी पे और माशाल्लाह इतनी मिल जाती है कि जो घरों में बैठ कर ये नहीं कर पाती थी तो काफ़ी खुश हैं माशाल्लाह और सारी गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो इनका अच्छा खासा हो जाता है। हम इनसे क्या बात कर सकते हैं? ये इनको उर्दू आता है जी। अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा कि आप यहाँ पे कब से काम कर रही हैं और आप कितनी खुश हैं इस प्रोग्रेस को लेके, इस डेवलपमेंट को लेके, और आप ये समझती हैं कि इस तरह का जो वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है औरतों को आगे लाने वाला वो प्रोग्राम मज़ीद आगे जाना चाहिए? जी ये मेरा ख्याल है कि काम के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये जो आप स्टिचिंग कर रही हैं ये पहले से आपको आती थी या इधर आके आपने सीखी? नहीं पहले से अल्हम्दुलिल्लाह आती थी। अच्छा तो यहाँ पे कितना आप खुश हैं यहाँ पे आके जब आप काम करती हैं, ये इन्वायरमेंट किस तरह का है यहाँ पे, आप समझती हैं कि बड़ा सिक्योर किस्म का इन्वायरमेंट आपको दिया गया है और यहाँ पे आप आके बड़ी खुशी से काम कर रही हैं और कोई आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आई है इससे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हमें स्टिचिंग आती थी लेकिन इतनी अभी जो लेवल पर आए हैं पहले नहीं थे।
यहाँ मजीद हम सिलाई भी कर रहे हैं, कुछ सीख भी रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम आप जो ये लोग ट्रेंड कर रही हैं, ये आने वाले वक्त की सुपरवाइजर्स आप बना रही हैं असल में? बिल्कुल, ये सारे मास्टर ट्रेनर होंगे, फिर मास्टर ट्रेनर होंगे। अच्छा चलो, ये तो मुझे बड़ा अमेजिंग लग रहा है, आपने ये बड़ा सिम्बॉलिकली चाइना और पाकिस्तान का रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसको भी फंड चाइना ने किया? जी बिल्कुल, ये चाइना की ही फंडिंग है और हमारे चेयरमैन साहब की कोशिश है और काफ़ी सपोर्टिव हैं कि उनकी वजह से ये इस्टेब्लिश हुआ है और उन्होंने एक अच्छा मौका दिया है कि औरतों को भी, ख़वातीन को भी बाहर निकलने के लिए और बरसर रोज़गार के लिए। ये एक फैक्ट्री बहुत एक कुशाइन चीज़ है यहाँ की। जी तो आपने देखा हम फ्री जोन के फेज़ वन में मौजूद हैं और ये हम विटनेस कर रहे हैं कि यहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका है, ऑपरेशंस स्टार्ट हैं यहाँ पे फ्री जोन में, लोगों ने अपना अपना काम स्टार्ट कर दिया है। ये बड़े छोटे लेवल पे एक गारमेंट फैक्ट्री को स्टार्ट किया गया है जो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पे ख़ास तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने जो बुनियाद रख दी है, ये जो बीज बोया है ये आने वाले वक्त में एक तनावर दरख्त बन के सामने आएगा। और मैडम जैतून जो हैं ये यहाँ पर मास्टर ट्रेनर्स बना रही हैं ताकि आने वाले वक्त में जब ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर स्किल्ड जो लेबर है, असल में आप बेसिकली एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रही हैं अगर मैं सही हूँ तो? जी बिल्कुल, मेरा अपना है वुमेन एम्पावरमेंट पे है और इंस्टीट्यूट है मेरा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। ये आपने देखा कि कितनी वाइब्रेंट ख़वातीन हैं, कितनी पुरजोश अंदाज में ये इस तरक्की के अमल में हाथ बटा रही हैं, तरक्की के अमल में अमल से गुजर रही हैं और तरक्की के अमल को उन्होंने अडॉप्ट किया है। तो ये आपने विटनेस किया फ्री जोन फेज़ वन में एक छोटी सी फैक्ट्री, हम और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए और इसी तरह के अगले हम डेवलपमेंट्स लेके आते रहेंगे। हम वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि वो किस किस्म की फैसिलिटी है। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।